ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ। बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा को आज बारसल आउट कराया गया। विधानमंडल का बजट सत्र का आखिरी दिन, जीवेश जी क्या हो गया अंदर से आपको बाहर? मैंने पूरी बात बताई है कि जिस प्रकार से नालंदा जो बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला है और संयोग से बिहार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, जो गृह मंत्री अपने गृह जिला को नहीं संभाल सकते हैं वो क्या बिहार संभालेंगे। मैंने नालंदा और सासाराम दंगे के ऊपर, सदन के नेता भी हैं मुख्यमंत्री, मैंने उनका जवाब मांगा कि आप सदन में आकर जवाब दीजिए, क्या वस्तु स्थिति है, सदन को अवगत कराइए, बिहार के 12 करोड़ जनता का प्रतिनिधि बैठा हुआ है उनको अवगत कराइए। इतनी सी मांग को लेकर के विधानसभा के अध्यक्ष ने आसन की मर्यादा को तार तार करते हुए मुझे सदन से मार्शल आउट किया। आपके कैमरा की आंखों ने भी इन चीजों को देखा है, जरा वीडियो फुटेज खंगाल लीजिए और ईमानदारी से इसको आप लोग भी रखने का काम। लग रहा था गुस्ताखी कर दी आपने सवाल पूछ करके। हाँ, यही इनको लगा मैं गुस्ताखी कर दिया, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। जब आप सत्ता में हैं, जब आप बिहार की सरकार चला रहे हैं, तो प्रतिपक्ष जो इसको विरोधी दल कहा जाता है, सत्ता का दूसरा पक्ष प्रतिपक्ष है, सवाल पूछना उसका काम है। जाले की महान जनता इसी काम के लिए मुझे सदन में भी मार्शल लेकर आए। आप 15-20 मार्शल लगे हुए थे, मैं तो हल्का फुल्का आदमी हूँ, पता नहीं इतने लोग क्यों लगाए। मैं कोई आतंकवादी थोड़े हूँ, जहाँ आतंकवादी बम बना रहा है वहां जाकर सरकार कार्रवाई करे ना। आतंकवादी बम बांध रहा है तो इनके विधायक कहते हैं आत्मरक्षा के लिए बम बांध रहा है। आपने देखा ना, निहाल अहमद जी ने जवाब दिया कि जो बम बांध रहे हैं उनको कह रहे हैं आत्मरक्षा के लिए बम बांध रहे हैं, तो आतंकवादी आत्मरक्षा के लिए बम बांध रहे हैं बिहार में, और बिहार की आवाज को बिहार की सदन में उठाने वाले को मार्शल आउट किया जा रहा है। हाय रे सरकार, हाय रे आसन, हाय रे व्यवस्था बिहार की, जनता देख रही है बिहार की न्याय करेगी 2024। जीवेश मिश्रा जिनको मार्शल आउट किया गया वो कह रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछना उनका काम है, सवाल ही पूछा था लेकिन मार्शल आउट करा दिया गया उनको। और आज बिहार विधानसभा के अंदर भारी हंगामा देखने को मिला है, जिस तरह से बीजेपी विधायक को बाहर कराया गया और अभी विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सहयोग कैमरा पर्सन आनंद के साथ शशिभूषण, आज तक पटना।